हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सोनल। वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 पॉइंट दैट विल मेक योर डे प्रोडक्टिव। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 इज़ बिगिन विद द एंड इन द माइंड। कहने का मतलब, दिन कहाँ ख़त्म करना है उसको दिमाग में रखकर दिन की शुरुआत करो। सपोज़ आपका कल का कोई काम पेंडिंग है और आज आपके पास करने के लिए कुछ खास वर्कलोड नहीं है, ओके? तो आपने खुद को बोला कि यार, मेरे पास आज कुछ ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो मेरा जो कल का पेंडिंग काम है और आज के जो भी छोटे मोटे काम हैं, वो दोनों मिलाकर सब कुछ मुझे आज ही कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से आपके दिन का एंड गोल डिसाइड हो गया। अब इसको माइंड में रख के आपको दिन भर के सारे काम करने। तो अब आपके माइंड को एक सिग्नल मिल गया, दैट बिगिन विद द एंड इन द माइंड। तो अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 5 से 10 पॉइंट जो भी आपको आने वाले कल में करना है उनको लिख करके रख दो। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, तो आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर होगा, नींद अच्छी आएगी। और दूसरा, जब नींद अच्छी आएगी तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आप एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बने रहोगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट इज़ कंट्रोल योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थाट्स क्रिएट करता है, जिसमें से 70% नेगेटिव थाट्स होते हैं। अब ये नेगेटिव थाट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आलसी थाट, नींद आएगी, अननेसेसरी भूख लगना, सोचते सोचते कहीं का कहीं निकल गए, जो काम करने बैठे थे उसमें से 10 मिनट माइनस हो गए, फिर और कुछ सोचते सोचते एक आध घंटा और निकाल दिया। तो ये होते हैं अननेसेसरी थॉट्स, ये होते हैं नेगेटिव थॉट्स, जो आपके काम पे आपको फोकस नहीं करने देते हैं और अननेसेसरी आपको कहीं का कहीं ले जाते हैं। तो ये जो 1 घंटे 10 मिनट का टाइम है जो आपका अननेसेसरी थॉट में चला गया है, इसको कंट्रोल करके रखना है। जैसे ही आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होता है तो अपने आप को याद दिलाओ कि हमें अभी ये काम कंप्लीट करना है, उसके बाद हम फालतू के काम करेंगे, उसके बाद हम फालतू के थॉट्स दिमाग में लाएंगे। जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आया तो खुद को ज़रा ऊंची आवाज़ में चिल्ला के डांट दो कि बस हो गया, सोच लिया जितना नेगेटिव सोचना था, नाउ बैक टू वर्क। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। खुद पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ओके, सो नाउ मूव टूवर्ड द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ स्ट्रेंथन योर माइंड पावर। अब हमने अपने माइंड को डांट कर चुपचाप काम पे तो लगा दिया, बट हमारा मन ना एक छोटे बच्चे की तरह होता है। आपने उसे डांट तो दिया, लेकिन डांटने के बाद उसे पुचकारना भी ज़रूरी है। तो काम करते वक्त हर 1-2 घंटे के बीच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक लो और लंबी गहरी सांसें लो। इससे होगा क्या, आपके आने वाले 2 घंटों का रिजल्ट बीते हुए 2 घंटों से बेहतर होगा, एंड यू विल मोर प्रोडक्टिव डे बाई डे। सो नाउ मूव टूवर्ड द फोर्थ वन, दैट इज़ कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डू नॉट लेट योर डिस्ट्रैक्शन टू बी योर डिस्ट्रैक्शन। कहने का मतलब, अपनी व्याकुलता को अपना विनाश ना बनने दें। आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन एक ही है, मोबाइल। ये हमारे यूज़ के लिए बनाया गया है, हमारे एडिक्शन के लिए नहीं। एक पिंग आया नहीं कि हम मोबाइल को उठा के देखने लगते हैं कि अरे किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, क्या हो गया। एटलीस्ट आप जब काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को दूर और साइलेंट रखो। आप जब फ्री हो, चिल करना हो, रिलैक्स करना हो, तब इसका यूज़ करो, लेकिन इसका यूज़ करो, यूज़ टू मत बनो। सो दैट इज़ द फोर्थ वन, कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। नाउ मूव टूवर्ड द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज़ बी अ स्ट्रिक्ट पेरेंट। जैसे कि पेरेंट्स को समटाइम्स बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जस्ट बिकॉज उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, लाइक टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, अपनी चीज़ों को यहाँ वहाँ मत फेंको, सब कुछ सिस्टमेटिक रखो। सेम एज़ हमें खुद को पेरेंट्स की तरह स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मस्ट। काम करते वक्त डाइट का भी पूरा ध्यान रखो, पानी की बॉटल साथ में रखो। ये नहीं कि यार आज तो काम में इतना बिजी था कि सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी डे बाय डे। सो गाइज, दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट विल मेक योर डे प्रोडक्टिव। अगर आपको इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपके दिन को प्रोडक्टिव बना सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक थॉट किसी और के काम आ जाए।
So guys, this is all for now. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you so much.